तो सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि अगर आपकी ग्रोथ आपके देश में नहीं हो पा रही है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, तो शायद आपको अपना लक आजमा लेना चाहिए विदेश जाकर। और उस लिस्ट में कनाडा वन ऑफ द प्रायर कंट्रीज में से आता है, जहां पर आपको डेवलपमेंट के नाम पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कनाडा, क्योंकि अगर आप निर्णय लेना चाहते हो तो फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो तो पता होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और राजनीतिक तौर पर क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बेनिफिट नंबर वन, जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे हाइलाइटिंग पार्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए लोग पागल हैं। यहाँ की वो जो शुद्ध हवा, जिसको एक्सपीरियंस करते ही लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर लोग जल्दी बीमार नहीं होते। यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो जो कुदरत का एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पर आपको एक गहरी सांस लेने पर कोई खांसी नहीं आती, कोई पॉल्यूशन फील नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, अगर आप पढ़ने वालों में से हो तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा भी चीज़ें बहुत ही वेल मेंटेन है। ट्रैवलिंग ले लो या फिर पीपल अराउंड यू जो आपको थैंक यू एंड सॉरी से ही बात शुरू और ख़त्म करते हैं। कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर टू, वर्क अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको जॉब नहीं मिल सकती। अगर वो नहीं ढूंढ रहा है, डेफिनेटली इट्स देयर पॉइंट, बट अगर आप एजुकेटेड हो या आप एजुकेटेड नहीं हो, आपके लिए एक जॉब तो बची होती है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं जिसमें आपका सिर्फ घर चले, ऐसी जिसके अंदर आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं, और उसी के नाम पे आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। आई हैव सीन पर्सनली लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ रेफ्यूजीज जो अपने देश से आते हैं, यहाँ पर असाइलम क्लेम करते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं। और अगर आप एजुकेटेड हैं और वेल गुड माइंडसेट वाले, तो डेफिनेटली कनाडा में आपको तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप कनाडा आ रहे हो और पीआर की प्रोसेस अच्छे से कर लिए, तो आपकी ट्रैवलिंग फ्रीडम हो जाती है। आपको यूएस जाने में दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा, अगर आपके पास टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा है कनाडा का, तो ईजिली मिल जाता है। जैसे कि मैंने यूएस के लिए अप्लाई किया था एंड यूएस का वीज़ा मेरे को 10 साल के लिए ईजिली मिल गया था। सो इन शॉर्ट, इट्स ईजियर टू ग्रैब अदर कंट्रीज वीज़ा जो डेवलप्ड है, अगर आपके पासपोर्ट पे कैनेडियन वीज़ा का स्टैम्प है। अगर आप पीआर हो तो और भी ज़्यादा फायदे हैं। कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर फोर, जो सिचुएशनल है, एज ऑफ नाउ ये पॉइंट एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन एक समय था जब कनाडा का पॉलिटिक्स बहुत ही स्टेबल था, जहाँ पर नियम बनाए जाते थे, फॉलो किए जाते थे और उसमें कोई करप्शन नहीं होता था। एज ऑफ नाउ शायद पॉलिटिकल चीज़ें बदल रही है, लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स कनाडा का सेफ माना जाता है। कनाडा की गवर्नमेंट आपको बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स देती है, जैसे कि अगर आप एक लिमिट तक पैसे नहीं कमा पा रहे, या आपकी जॉब किसी ने छीन ली, या आपको बेवजह के जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आपको EI बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसके अनुसार अप टू सम लिमिट अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको आपके बैंक में पैसे मिलते जाएंगे, क्योंकि आप कनाडा के रेसिडेंट रहे हुए हो या फिर आपने एक लिमिट तक कनाडा में काम किया हुआ है, इस वजह से वो बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली, आपको हेल्थ केयर एडवांटेज मिल जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आपका हेल्थ कार्ड आपके बहुत सारे हेल्थ एक्सपेंसेस कवर कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके अलावा भी आपको रिटायरमेंट प्लान्स के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसके डिडक्शन आपके टैक्स से पहले ही पेचेक से शुरुआत हो जाते हैं। कई लोगों के हिसाब से ये डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इन जनरल पर्सपेक्टिव ये एडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, तो रिटायरमेंट सेविंग्स ही आपके लिए बहुत सारे फायदे ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के इमिग्रेंट्स आते हैं। अब अलग अलग देश से लोग आएंगे तो अलग अलग त्यौहार तो मनाएंगे, जैसे इंडियंस हैं नवरात्रि, दिवाली या फिर कोई भी त्यौहार हो, वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया का भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेम लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। यहाँ पर यूक्रेन के भी त्यौहार मनाए जाते हैं, चाइना के भी सेलिब्रेट किया जाता है, फिलीपींस भी होते हैं, रशियंस भी होते हैं, और सारे ही त्यौहार देखकर आप खुश हो जाते हो। 365 दिन में आपको कनाडा को ताने मारने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ करने के लिए होता ही है, बस आपको एक परफेक्ट सिटी में रहना जरूरी है। पॉइंट नंबर सिक्स, इफ़ यू आर विलिंग टू लिव इन कनाडा, आप PR ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा परिवार आपके सहारे के थ्रू यहाँ पर आकर लॉन्ग टर्म पे जिंदगी जी सकते हैं, यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपके साथ। पॉइंट नंबर सेवन, इफ़ यू आर फ्रॉम द कंट्री जहाँ पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है, तो कनाडा भी उनमें से एक है जो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप होल्ड करने का मौका देती है। इंडिया हमें ड्यूअल सिटीजनशिप होल्ड करने का मौका नहीं देता है, लेकिन बाकी सब कंट्रीज जो दे दिए उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली चीज़ है, क्योंकि वो दोनों जगहों पे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी भी होल्ड करके रखते हो और इंडियन सिटीजनशिप रखते हो और अपने PR का स्टेटस मेंटेन करने के लिए 5 साल के अंदर हाफ ऑफ द टाइम आप कनाडा में रहते हो, तो आप फ़ायदा मेजरली उठा सकते हो।
और बहुत से लोग ये करते भी हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अप टू सम लेवल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ इज देयर इन कैनेडा। अगर आप सभी नियम को फॉलो करते हुए चल रहे हो और आप किसी से अपना टाका नहीं बिगाड़ रहे हो या किसी को जाकर ऐसे धमकी वगैरह नहीं दे रहे हो, तो आप यहाँ पर बहुत हद तक सेफ हो। पुलिस आपके बुलाने पे आ जाती है अगर इफ़ इट्स एन एमरजेंसी, लेकिन हाँ ये अप टू सम लिमिट तक ही है। तो ये सारी बातें तो फायदे की रही, अब नुकसान की बात सुनना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये कड़वे सच को भी आप सुन लेना अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने के लिए। राजनीतिक चीज़ें थोड़ी तो बदल रही है, अगर आप देखें तो इंडिया और कनाडा का रिश्ता थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो गया है। ऐसे ही पहले से देखा जाए तो नेपाल बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल जाती है कंपैरेटिवली देन इंडियन स्टूडेंट्स, प्रॉबेबली बिकॉज इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे दो चार ट्वीट्स भी किए जो इमिग्रेंट्स के फेवर में नहीं थे, जिसके अनुसार वो वर्कर्स को लिमिट कर देंगे, कैप ले आएंगे और ये सारी चीज़ें। प्रॉबेबली दैट कुड बी अ पॉलिटिकल स्टंट, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट एज गुड एज इट वॉज अर्लियर जब मैं आया था 4 साल पहले। सेकेंड पॉइंट, अगर आप अभी आते हैं तो रिसेशन के बाद कनाडा की हालत थोड़ी तो बिगड़ गई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और इसीलिए टैक्सेस बहुत पे करने पड़ रहे हैं। बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई लेकिन कोई समाधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब मार्केट के चैलेंजेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो पहले ऐसा था ना कि आपके पास 3 जॉब अफोर्ड करना बहुत आसान चीज़ थी, लेकिन आजकल 1 जॉब भी मिल जाना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। पहले ऐसा था कि एज अ स्टूडेंट आप 20 घंटे ही काम कर सकते थे, लेकिन लोगों के पास प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती थी कि किस तरह से वो जुगाड़ से 40-50 घंटे काम कर ले वीक में। लेकिन अभी लोगों को 20 घंटे की एलिजिबिलिटी में भी 10 घंटे की जॉब नहीं मिलती। तो इतने सारे लोग हो गए, इतने सारे इमिग्रेंट हो गए, कनाडा ने इतने लोगों को इनवाइट कर लिया कि अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे और इसी वजह से जॉब मार्केट भर भर के चैलेंजिंग हो चुका है। सेम सिचुएशन हर जगह पे है लेकिन कनाडा की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। पर्सनली देखा है लोगों को अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हुए, लकीली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मैं बहुत से एम्प्लॉयर से भी मिला हूँ एंड उन्होंने यही कहा है कि जॉब मार्केट इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे द मोमेंट व्हेन दे गॉट हिटेड बाय रिसेशन। टैक्सेस बढ़ गए, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ गए, जो ग्रोसरी आप $100 में कर सकते थे उसका 200 हो चुका है और अफोर्डेबिलिटी लोगों की कम हो चुकी है चीज़ों को लेकर। अगर मैं आपको बताऊं तो $500 में एक समय में मैंने अपने पूरे महीने का खर्चा निकाला था और बाकी सब कमा के मैं बचा के भेज देता था इंडिया, लेकिन अभी उल्टा हो चुका है। अभी जो मैं कमाता हूं पूरा वो भी इनफ नहीं होता मेरे लिए कि मैं अपने पूरे मंथ का खर्चा निकाल सकूं। उसके अलावा इनिशियल सेटलमेंट कॉस्ट जो GIC होती है कई स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज फीस स्ट्रक्चर जो उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज द्वारा पे करने के लिए कहा जाता है, ये अमाउंट भी बढ़ चुके हैं लोगों के लिए। पहले $10,600 होते थे जो आपको पे करके कनाडा आना होता था, जिसके अनुसार आपके पहले साल का खर्चा उसी में से निकल जाएगा जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 12 टुकड़ों में देगी। लेकिन अभी आपको अराउंड $20,000 पे करके आना होता है, जस्ट कंसिडरिंग कि आपका 1 साल का खर्चा उसमें से निकलेगा जो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट सेम टुकड़ों में देगी। लेकिन ये एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए कि बाकी सब कंट्रीज के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और फिर लोग प्रीफर करते हैं कि कनाडा ही क्यों जाए, हम ऑस्ट्रेलिया ना चले जाए, अमेरिका ना चले जाए, हम जर्मनी क्यों ना चले जाए, हम US क्यों ना चले जाए। इस चीज़ के आर्ग्यूमेंट में लोग फिर यही कहेंगे कि यार कनाडा का PR तो जल्दी मिल जाता है ना, ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब कंट्रीज़ में इतना जल्दी नहीं मिल पाता। तो देखो अभी भी मैंने कई लोगों को देखा है जो 5-6 साल से यहाँ पर है, जो सिर्फ वर्क परमिट एक्सटेंड किया जा रहा है या फिर क्लोज्ड वर्क परमिट में यहाँ पर रहकर PR की प्रोसेस में लगे पड़े, बट उनका PR नहीं आया। वन ऑफ दी वेल नोन फ्रेंड्स ऑफ माई ऑन यूट्यूब, उन्हें भी 7 या 8 साल लग गए थे उनका PR लेते हुए। तो ये जो ऊपर की पिक्चर है कि 4 साल में आपको PR मिल जाता है या 5 साल में मिल जाता है, ये अब रेयर सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदलती रहती है और नई पॉलिसीज़ नई प्रॉब्लम्स लेकर आती है। इसके अलावा हेल्थ कार्ड तो डेफिनेटली कैनेडियन गवर्नमेंट देती है, लेकिन हेल्थ केयर का जो वेट टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा एमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको 24-25 घंटे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, फिर चाहे आपको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर आपकी टांग टूट गई है, खून बहा जा रहा है, आपको वहाँ की नर्सिस मैक्सिमम अटेंड कर लेगी, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके अलावा वॉक इन क्लिनिक्स की भी अमाउंट बहुत कम है और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कई बार आपके हेल्थ कार्ड में कवर नहीं हो पाते इफ़ यू आर नॉट दी परमानेंट रेसिडेंट। कई फ्रेंड्स ने मेंशन किया है कि वर्क परमिट पे उनके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस उनके टैक्स अमाउंट में ऐड हो जाती है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट उनसे कई बार मांग भी लेती है। तो आपका बेनिफिट अल्टीमेटली आपके बेनिफिट के लिए था ही नहीं अगर आप इमिग्रेंट हो तो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले कहा कि मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट है कनाडा में, लेकिन मल्टीपल कल्चर की वजह से डिसएडवांटेज भी है। अगर दो अलग अलग देश के लोग
एक जगह पे आके मिलेंगे और उनके देश की वजह से कोई राजनीतिक बातों पे डिस्कस करेंगे तो लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं और लड़ाई झगड़ों से मारपीट तो होनी है और मारपीट को कई लोग सीरियसली लेकर यहाँ पर वायलेंस पे आ जाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस तरीके से तो बढ़ती है, साथ साथ में यहाँ पर अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट और बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। तो पैसे कमाए तो कमाए कहाँ से, गाड़ियाँ बहुत चोरी होती है, घरों के अंदर चोरी होती है, लोग इंश्योरेंस क्लेम कर करके थक जाते हैं लेकिन चोरी नहीं बंद होती है। शॉर्ट में आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। वन ऑफ द वेल नोन सिटी ऑफ द कनाडा जहाँ पर किसी की गाड़ी चोरी होती है आधी रात को और वो गाड़ी चोरी होकर पोर्ट पे चली जाती है, गाड़ी का ऑनर तुरंत रिपोर्ट करता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। वो इंसान दोबारा गाड़ी लेता है और इस बार वो स्मार्टनेस के साथ उसके अंदर एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा देता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी फिर से चोरी हो गई ना चाहते हुए, वो इंसान इस बार खुद की गाड़ी को ट्रेस करता है और वो डॉकयार्ड तक पहुंच जाता है। जब वो डॉकयार्ड पहुंचता है और पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसे ही कहती है कि भाई साहब आप डॉकयार्ड में क्या कर रहे हो, ये तो आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड जगह है और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो रही है तो आपने हमें क्यों नहीं पहले कॉल किया। तो इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा मिल रहा है और न जाने कितने लॉसेस लोगों को फेस करने पड़ रहे न चाहते हुए, और इंश्योरेंस को क्लेम करते करते आपका इंश्योरेंस इतना बढ़ जाएगा ना कि आप भी थक जाओगे, बोलोगे कि यार नहीं चाहिए ये क्वालिटी, हाथ जोड़ते और हमें जाने दो। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली गेम है कनाडा में, इतना ईजी नहीं है जितना आसानी से सोच कर लोग पहले आते थे। अभी चीज़ें बहुत बदल चुकी है और क्राइम पॉलिटिक्स न जाने कितनी चीज़ें आपको सूचित करती है कि अगर कनाडा में आपको रहना है तो बहुत ही सीधे बन के रहना होगा और सीधे बन के भी पता नहीं कि आपकी सेफ्टी रहेगी या नहीं। टैक्सेस और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस पे कर करके आप थक जाओगे। यहाँ पर कुछ सेटअप करने के लिए एक साइड इनकम होनी और ज़रूरी है। अच्छे लोगों को ढूंढते ढूंढते थक जाओगे क्योंकि मजबूरी में पैसे ना होने की वजह से शायद बहुत से लोग आपके दुश्मन बन जाए कि यार आपके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे, और क्राइम चोरी चकारी डकैती से आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें फिल आउट कर पाते हो और PR ले लेते हो तो कनाडा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें मैंने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। बाकी आपको इमिग्रेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया पे तो हम अवेलेबल है आपकी सेवा के लिए। आई होप आई शेयर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लगता है कि कुछ अभी रह गया तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।